उज्जैन के माधव नगर थाना पुलिस को चोरी के मामले में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी के वाहनों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपी से पुलिस की पूछताछ जारी है। उज्जैन के माधव नगर थाना क्षेत्र सहित जिले में लगातार हो रही चोरी की वारदातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने शहर के चौराहों पर चेकिंग अभियान शुरू किया था। इसलिए सिविल वर्दी में पुलिस जवानों को चोरों पर निगरानी के लिए तैनात किया गया था। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ही चोर को एक दो पहिया वाहन के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। माधव नगर थाना पुलिस के हाथ लगे इस बदमाश से पुलिस ने पूछताछ के दौरान कुल 4 बाइक को जब्त किया है। विगत कुछ दिनों से वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी, जिसमें माधव नगर पुलिस द्वारा जो हॉट स्पॉट है वहाँ पे अपने सादा वर्दी में जवान तैनात किए थे, उसके आधार पे एक आरोपी को पकड़ा गया है और उससे पूछताछ में फिर 3 और मोटरसाइकिल, कुल 4 मोटरसाइकिल बरामद की। और भी कोई पुराने अपराध है सर इसके? हाँ, ये तराना क्षेत्र का रहने वाला है, तो तराने में भी इसका चोरी के अपराध है। ये क्या करता था बेसिकली, गाड़ियों को चोरी करता? जैसे 0 पॉइंट कलारी के आसपास जो लोग हैं आते में चले जाते थे, तो उन पर नज़र रखते हुए फिर धीरे से उसका लॉक खोल गया और गाड़ी ले जाता था। पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी पर उज्जैन जिले के और भी कई थानों में वाहन चोरी करने के मामले दर्ज हैं। मृदुभाषी के लिए उज्जैन से अमृत बैंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।